खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल हरिगंज और मोघट रोड खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा में धनतेरस और दीपावली त्यौहार को लेकर खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के द्वारा लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जहां खाद्य विभाग की टीम के द्वारा कुमारबेड़ा क्षेत्र में अग्रवाल मिष्ठान भंडार के एक गोदाम पर टीम जांच करने पहुंची, जहां से टीम ने मिठाई और मिठाई बनाने के कई सैंपल भी जांच के लिए टीम के द्वारा भेज दिए गए। टीम का ने बताया कि बाज़ारों में मिठाइयों के अलग अलग स्थानों से करीब 99 सैंपल खाद्य विभाग की टीम ने जांच के लिए भेजे गए हैं। खाद्य विभाग के अधिकारी संजीव कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा ये कार्रवाई लगातार की जा रही है और इस टीम में राधेश्याम गोले और संजीव कुमार मिश्रा द्वारा ये लगातार कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा विभाग की टीम काफ़ी सक्रिय है। खाद्य विभाग द्वारा इस साल में खाद्य प्रदानों के करीब 99 सैंपल बड़े प्रतिष्ठानों से जांच के लिए प्रयोग के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है और खंडवा के कुमारबेड़ा क्षेत्र में मिठाई व्यापारी दीपू भाई मिठाई वालों ने जानकारी देते हुए बताया कि वो करीब 70 सालों से मिठाइयों का बनाने का व्यापार करते हैं और मिठाई बनाने की गुणवत्ता को वो पूरी तरह से ख्याल रखते हैं और दूध के ही मावे से मिठाई तैयार की जाती है, मिठाई बनाई जाती है, जो आज भी लोग दूर दूर से मिठाई खरीदने आते हैं और हमारी मिठाई पूरी तरह से शुद्ध और ताज़ी रहती है और जिसको लेकर लोग बड़ी दूर दूर से मिठाई खरीदने आते हैं। हमारे द्वारा मिठाई बनाने का पूरा गुणवत्ता और पूरा ख्याल रखा जाता है और पूरी ताज़ी मिठाई बनाई जाती है। इसी को लेकर अग्रवाल मिष्ठान भंडार के दीपू भाई मिठाई वालों ने भी क्या कुछ जानकारी दी, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। और खाद्य विभाग के जो संजय कुमार मिश्रा है, उन्होंने भी क्या कुछ जानकारी दी, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। तो ये बताना चाहता हूँ कि 1920-21 से मेरे ग्रैंड फादर रामसाई जी मिठाई का व्यवसाय था। जब गुड़ से शक्कर बना की मिठाई बनाई जाती थी, जब से कर रहे हैं। और शुद्धता की बात है कि हमारे को तो 100 वर्षों का अनुभव है, कैसे काम करना है, काम का तरीका, किस चीज़ में क्या डलता है, हर चीज़ को मैनेज करके। और सब दूध से मावा बनाया जाता है मशीनों से और उसका मिठाई बनाई जाती है, तैयार रेडीमेड मावे से मिठाई नहीं बनाते। अच्छा, पूरा ड्राई फ्रूट की मिठाइयाँ भी बहुत सारी बन रही है, घी की मिठाइयाँ बन रही है, जैसे मक्खन बड़े हैं, मोहन थाल है, डोडा बर्फी है, गुजिया है, सोहन पपड़ी है, सभी चीज़ें यानी घी की जितनी जो त्योहारों पर जो 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 बिकता है वो सब शुद्ध। ड्राई फ्रूट की मिठाई में कम से कम 50 वेराइटी है। किस तरह की शुद्धता की आपकी? शुद्धता मतलब पूरा हाइजीनिक, मतलब यानी ऐसा नहीं कि खराब काजू वापर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा काजू लेके उसको बाकायदा पूरा वॉश करके फिर उसको ग्राइंड करके और फिर उसको बनाते हैं। शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है, इतना ज़्यादा कि यानी अब हम स्टाफ के को उठने से पहले 2 घंटे पहले हम उठते हैं, स्टाफ को सोने के बाद हम सोते हैं। दीपावली त्यौहार को ध्यान में रखते हुए अभी लगातार जो है एक सर्विलेंस का ड्राइव भी चलाया जा रहा है और यहाँ पे लीगल नमूने भी लिए जा रहे हैं और अभी कुल जो है 99 सैंपल्स जो है लिए जा चुके हैं और इनमें प्रमुखतः जो है बड़े बड़े प्रतिष्ठान से ही नमूने लिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हीं के द्वारा जो है छोटे विक्रेताओं को भी सप्लाई होता है, तो अगर उनके यहाँ पे जांच हो जाती है और सही खाद्य पदार्थ मिलते हैं या नमूने लिए जाते हैं तो अन्य लोगों के यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली जाँच हो जाती है। अभी प्रमुख ट्रेडर्स जो खाद्य विक्रेता हैं जिनके यहाँ पे नमूने लिए गए हैं, उसमें एक तो न्यू भारती ट्रेडर्स है, अम्बुमल प्रताप राय जो कि यहाँ पे काफ़ी बड़े होलसेलर हैं ड्राई फ्रूट्स के, इनके यहाँ पे भी कार्रवाई की गई है। उसके बाद में अग्रवाल मिष्ठान भंडार से नमूने लिए गए हैं मिठाई के, अग्रवाल मिठास, ये भी दोनों बड़ी फर्में हैं, इनके यहाँ से भी मिठाई के सैंपल्स लिए गए हैं। लालाजी मावा भंडार जो कि पूरे खंडवा जिले के अंदर सबसे बड़े मावा विक्रेता हैं, इनके यहाँ पे भी नमूने लिए गए हैं। इसके बाद में अभी कुछ ही दिन पूर्व अभी बस के ऊपर भी कार्रवाई की गई थी और जिसमें 5 लोगों से अलग अलग जो है मावे के सैंपल्स लिए गए थे और लगभग जो है 640 किलो मावा उसमें बस में हम लोगों के द्वारा जो है पकड़ा गया था, जिसमें अग्रवाल मिठास, ये लालाजी मावा भंडार का भी मावा उसके अंदर आया हुआ था, अग्रवाल स्वीट मार्ट
मित्र मिलन और अग्रवाल डेयरी, इन सभी के नमूने वहां से संग्रहित किए गए थे। इसके अलावा जय भोले किराना पंदाना में जो है काफी बड़ी फर्म है जहां से नमूने लिए गए हैं जांच के लिए। इसके साथ में सपना नमकीन सिंगोट में जो है यहां पे एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हैं नमकीन के, जिनके यहां पे जांच की गई है। मोहन नमकीन पंदाना में ये भी काफी बड़े मैन्युफैक्चरर हैं नमकीन के, इनके यहाँ पे भी जांच किए गए हैं और सैंपल्स लिए गए हैं। अभी टोटल कुल जो है वो 99 सैंपल्स ड्रॉ किए गए हैं और जिनको जांच के लिए फूड सेफ्टी की लैब जो है वहाँ पे भेज दिए गए हैं जांच के लिए। और इस तरीके से अभी सतत कार्रवाई जो है जारी रखी गई है। और अगर किसी भी आम उपभोक्ता को कोई भी शिकायत हो किसी प्रकार की तो खाद्य एवं औषधि प्रशासन के कार्यालय में आके बता भी सकता है। और हमारे यहाँ पे अभी फूड सेफ्टी लैब भी मौजूद है, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स, जिसमें केमिस्ट भी हम लोगों के साथ में है। और यहीं पर तुरंत मावे की और दूध की और मिठाइयों की किसी भी तरीके की अगर कोई जांच कराना चाहे तो वो यहाँ पे लैब में आके ला सकता है और उसको जांच करा सकता है। सर, एक सतत इस तरह की जो कार्रवाई, इसमें मावे की सबसे बड़ी वजह की जो मिठाई इससे बनती है, इससे कितने सैंपलों में मावे में जिस तरह से चीज पाई गई, जिसमें आपके ऊपर कार्रवाई की गई थी? मावे के ऊपर अभी लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसमें से सबसे ज्यादा सैंपल जो है मैक्सिमम वो मावे के ही है। करीबन 30 से 35 नमूने जो है मावे के लिए गए हैं। और मावे में अपने यहाँ पर जो है मावा या तो मिष्ठान भंडार जो है खुद दूध से मावा तैयार करते हैं, और अगर मान लीजिए वो मंगाते भी हैं तो रतलाम की तरफ से मावा आ रहा है। अभी हालांकि प्रमुखता कहीं पर भी ऐसा देखने में नहीं आया है कि कहीं पर बहुत खराब क्वालिटी का मावा कहीं पर भी आया है, लेकिन उनकी क्वालिटी और मापदंडों को चेक करने के लिए जो है मावे के नमूने लिए गए हैं। और इसके साथ में अभी एक पूजा रास के नाम से काफी बड़ा मामला सामने आया था, और जिसमें हम लोगों के द्वारा जो है भी 1,00,000 रुपए से अधिक का मूल्य का पूजा रास घी जैसे से मिलता जुलता पदार्थ जो है उनके द्वारा विक्रय किया जा रहा था, जिसको जब्त किया गया है अभी भारी मात्रा में। उसके बाद से हालांकि शहर में इस तरीके के पूजा रास और हल्की क्वालिटी के जो घी हैं ये अभी विक्रय होने में अभी इनके ऊपर जो है अभी रोक लग चुकी है।